तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि बोर्ड में 100% इसका क्वेश्चन आता है हर साल। इस पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। और आफ्टर दिस वीडियो, ये मेरी गारंटी है बेटा, आफ्टर दिस वीडियो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि किस रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट से सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और किस अरेंजमेंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का मिनिमम होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने बोला, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस वीडियो के बाद आप ये सारी चीजों से एकदम क्लियर हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एक रेजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है, एक सीरीज रेजिस्टेंस होता क्या है, एक पैरेलल रेजिस्टेंस होता क्या है। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर एंड तक वीडियो देख लिया तो सीरीज और पैरेलल का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली दो चीज बताऊंगा, बस दो चीज, और उसी से तुम्हारा सारा सर्किट्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौतम वर्मा एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम आईमेट फाउंडेशन। लेट्स बिगिन दिस वीडियो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल चार टॉपिक्स। ठीक है, टोटल चार टॉपिक्स। वो क्या क्या टॉपिक्स है? पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेसिकली रेजिस्टर्स होते क्या है और उनका कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, की रेजिस्टर्स पैरेलल में कैसे लगते हैं। एंड आफ्टर दैट हम सीरीज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ पार्ट सीरीज होगा, कुछ पार्ट पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए, कॉम्बिनेशन कॉम्बाइनिंग रेजिस्टर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड इट कैन बी डन इन टू मेन वेज, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। देखिए, किसी भी सर्किट में रेजिस्टर्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और ये दो टाइप की होती है, एक होती है सीरीज और एक होती है पैरेलल। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा, एकदम डिटेल में बात करेंगे कि सीरीज होता क्या है, पैरेलल होता क्या है, किस अरेंजमेंट को सीरीज और किस अरेंजमेंट को पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग लाइट दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लाइट दिख रही है, और एक है यहाँ पे हमारा बोर्ड, हमें बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें भी कोई अरेंजमेंट है, क्या इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, तो क्या आप बता पाओगे? चलो उससे पहले एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले समझो रेजिस्टर का मतलब क्या होता है। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। देखो, अगर मैं बोलूं कंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? सर, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है या फिर कंडक्ट हो रही है। ठीक है, वैसे ही रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सिंपल, नथिंग। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस तो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है। ठीक है, देखो ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि रेजिस्टेंस हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है, लेकिन जो रेजिस्टर होता है ना, इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता है। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके पास अच्छा खासा रेजिस्टर होता है और रेजिस्टेंस होती है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस मतलब कि ये एक्चुअली में बहुत अमाउंट ऑफ करंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, चलो हमें रेजिस्टेंस समझ में आ गया। देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको बल्ब दिख रहे होंगे, ये स्ट्रिंग लाइट वाले, हर एक स्ट्रिंग लाइट के बल्ब के अंदर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस रेजिस्टेंस को देखो, मैंने बोला ना हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग लाइट के बल्ब में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन आप एक बात सुन के शॉक हो जाओगे कि इस स्ट्रिंग लाइट का रेजिस्टेंस इस बोर्ड के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। यस, आई एम राइट, इस स्ट्रिंग लाइट का रेजिस्टेंस इस बोर्ड के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। अब तुम ये बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बोर्ड में तो हमने इतनी ज्यादा सर्किटें, इतनी ज्यादा चीजों को कंबाइन किया है, स्ट्रिंग लाइट में कम स्ट्रिंग लाइट में तो सिर्फ छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्यों इस स्ट्रिंग लाइट का रेजिस्टेंस इस बोर्ड के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, ये चीज तुम्हें समझ में आएगी आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करें ताकि उनका रेजिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम आ पाए। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा
ये आपके एनसीईआरटी में, या आपके बोर्ड में, या आपके हर जगह पूछा जाएगा। और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या कि देखो, जब हमें ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है तो हम उनको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। जब देखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल, बस अभी एक चीज ध्यान रखो कि जब हमको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है तो हम लगाते हैं सीरीज में, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होता है, डिक्रीज, तो हम उनको लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है। अभी इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लो, अभी समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए रेजिस्टेंस इन सीरीज को समझते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज को समझने के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे पिकाचू वाला एग्जांपल लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एज ए प्लस एंड एज ए माइनस, यहाँ पे दो हमें चीज दिख रही है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। अब हो क्या रहा है कि बैटरी से पिकाचू नंबर वन चार्ज हो रहा है, पिकाचू नंबर टू चार्ज हो रहा है, पिकाचू नंबर थ्री चार्ज हो रहा है, ठीक। तो हो क्या रहा है, जब बैटरी से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो पहले इस पिकाचू के पास पहुंच रहे हैं, आफ्टर दैट सेकेंड वाले पिकाचू के पास, एंड उसके बाद थर्ड पिकाचू के पास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले जब चार्ज जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पहले वाले रेजिस्टर के पास पहुंचता है, फिर उसके बाद दूसरे रेजिस्टर के पास, देन तीसरे रेजिस्टर के पास, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स वो वन बाय वन करके लगे हुए होते हैं, वन बाय वन करके उनमें करंट जाता है, ठीक। अब जैसे ये वाला एग्जांपल यहाँ देख लो, देखो ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। अब इस बैटरी से जब करंट निकलेगा, इस बैटरी से जब करंट निकलेगा इस तरफ, तो पहले इसमें जाएगा, देन इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद फिर इसमें जाएगा, एंड देन इसमें जाएगा, एंड देन इसमें, एंड देन इसमें, ठीक है। तो वन बाई वन करके करंट यहां से फ्लो होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज पता चल गया कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इन सिंगल पाथ होता है, ठीक, वन बाय वन करके फ्लो करता है, ठीक। अब हमें समझ में आ गया कि जब भी हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को एक सिंगल पाथ में अरेंज करते हैं तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ओके। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओके, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सिंगल पाथ फॉर करेंट फ्लो, दिस मीन दैट द करेंट हैज ओनली वन पाथ टेक थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, इट इज ओके। अब देखो इसमें इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा, एक मिनट वापस इसी पे आते हैं कि देखो, अगर इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करना बंद कर दिया, मान लो ये वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करना बंद कर दिया, तो यहां से आगे करंट नहीं जा पाएगा, यहां से आगे करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा स्ट्रिंग लाइट में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग लाइट खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रिंग लाइट वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग लाइट जो होती है वो मेरी होती है इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे जितने भी रेजिस्टर्स हैं वो वन बाय वन करके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, हमने तो सीख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टर्स अरेंज होते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो ध्यान रखनी बहुत ही जरूरी है, दैट इज वोल्टेज एंड करेंट, ठीक है। अभी दिखाता हूं कि वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा अरेंजमेंट होता है और करेंट का कैसा। इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये नाइन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है। अब नाइन, अच्छा मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसके पास 9 वोल्ट जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा एंड देन यहां पे तो उसको इस कंडक्टर में से पास होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा करनी होगी, मींस यूज करनी होगी। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन था तो उसके पास थी टोटल 9 वोल्ट, 9 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वर्क डन वाली एनर्जी थी। जब यहां से यहां निकला यहां पर, तो कुछ एनर्जी उसने खर्चा कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 वोल्ट यहाँ पे खर्चा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट खर्चा हो गया, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसके पास अब कितना बचा होगा, 8 वोल्ट, ठीक। देन अगेन अगेन यहां से पास होगा तो यहां पे भी 1 वोल्ट खर्चा हो गया मे बी,
ठीक है, यहाँ पे भी मान लो 1 वोल्ट खर्चा होगा, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ये टोटल 6 वोल्ट हो गया होगा। एक्चुअली यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेम है, तो मैं 1 वोल्ट ना करके 4 वोल्ट कंसिडर कर लेता हूँ, 4 वोल्ट नहीं, 4.5 एंड 4.5। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन पहले बल्ब से पास हुआ तो उसको 4.5 वोल्ट जितनी एनर्जी बल्ब से पास होने में खर्चा करनी पड़ी, एंड सेम जब दूसरे से पास हुआ तो सेम उतनी ही एनर्जी उसको खर्चा करनी पड़ी और वापस ये बैटरी में आ गया। अब देखो होता क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक, मतलब जब अगर मान लीजिए मेरा एक सिंपल सर्किट की बात करें, तो मान लीजिए अगर ये मेरी सर्किट है और ये एक एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, और ये दोनों रेजिस्टर कनेक्ट है एक बैटरी से, और उस बैटरी का मान लो पोटेंशियल है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज, और बाकी बचा हुआ 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज स्प्लिट होता है, वोल्टेज वोल्टेज स्प्लिट होता है, ध्यान रखना बेटा, यही इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, हमने इसकी बात तो कर ली वोल्टेज वाली, अब हम करंट की बात करते हैं। देखो जो करंट होगा, करंट को हम रेड से इंडिकेट करते हैं, करंट होगा इधर इस डायरेक्शन में, यहां पे आई होगा, यहां पे आई होगा। अगर हम देखो करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो होते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो करंट जब इस बल्ब से पास करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा ना, फ्लो थोड़ी ना खराब होगा। तो जब यहां से यहां करंट पास करेगा तो यहां पे भी आई ही करंट पास होगा, सेम यहां पे भी आई करंट पास होगा। ठीक है, तो आई करंट बैटरी से निकला एंड वापस आई करंट ही बैटरी में जाएगा, मतलब कि हमारा करंट स्प्लिट नहीं होगा, हमारा करंट स्प्लिट नहीं होगा, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा। वो बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपने सीख ली, अब न्यूमेरिकल आधे तो हो जाएंगे। अब एक और चीज, अगर हम बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तीसरी चीज है रेजिस्टेंस, इसको तो बताना भूल ही जाता मैं, तीसरी चीज है रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखो जब भी दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से जितना टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आ रहा है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब जब ये बल्ब, ये वाले बल्ब, फर्स्ट वाले बल्ब और सेकंड वाले बल्ब की वजह से, ये फर्स्ट वाला बल्ब, ये सेकंड वाला बल्ब, इन दोनों की वजह से सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस है R2, तो बस इनको हम सिंपली एड अप कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आपने कुछ ऐसे भी देखा होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डॉट 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 n। ठीक है, अब ये n क्या है, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो मैं Rn कर दूंगा। चलो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ वन रेजिस्टेंस फेल द एंटायर सर्किट स्टॉप वर्किंग, एडिंग मोर रेजिस्टेंस इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, गुड। ओके, वोल्टेज ये वाली टॉपिक एंड ये वाली टॉपिक हमने कर ली। अब ये भी आपको मैंने बताया था कि अगर एक भी रेजिस्टेंस फेल हो गया बेटा तो हमारा पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देखो इस सर्किट में भी हम बेसिकली तीन चीज पे फोकस करेंगे, एक तो करेंट, दूसरा वोल्टेज एंड तीसरा रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज की, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज देखा जाए, इस वाले सर्किट को देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देखते हैं क्योंकि ये सिंपल लग रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो ये बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, ये बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो ये जो वोल्टेज यहां सप्लाई कर रही है पहली वाली सेल पे, तो ये वाला वर्क भी करेगा कितने, 6 वोल्ट पे वर्क करेगा। ठीक, और वही सेम वायर इस वाले के पास भी सप्लाई हो रहा है, तो यहां वाला भी सेम 6 वोल्ट पे वर्क करेगा, एंड सिमिलरली यहां पे भी वही वायर सप्लाई हो रहा है तो ये भी 6 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। अगर हम इस सर्किट को बनाए तो ये एक्चुअली में
कुछ इस तरह सर्किट हो जाएगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा एंड ये हो गया तीसरा, और ये तीनों के तीनों एक्चुअली में बैटरी से कनेक्ट है। ये मेरी बैटरी हो गई, ठीक, और बैटरी का मैंने 6 वोल्ट बोला, तो तीनों के तीनों वो पोटेंशियल सेम है, मतलब कि यहां पे वोल्टेज स्प्लिट नहीं होता है, यहां पे वोल्टेज सेम रहता है। अब देखो बात करते हैं करंट की। अगर हम करंट देखें तो आई होप ये और ये दोनों सेम लग रहा होगा आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं भी लग रहा हो तो हम इस वाले से कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट यहां से निकलेगा, यहां पे आया। अब देखो करंट जब इस पॉइंट पे आएगा, करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इस पॉइंट पे आएगा ना तो यहाँ पे करंट इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, मान लो I2, I1 और कुछ इधर भी जाएगा I3। मतलब जब यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पे आएंगे तब यहाँ पे उनके पास 3 वे होंगे जाने के, तो पहला इसमें चला जाएगा, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, मतलब पैरेलल में मेरा करंट स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। बहुत अच्छी चीज हमने सीख ली, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, क्वेश्चन तो बेटा इसी से बनेंगे और यही टॉपिक आना चाहिए क्या, कि देखो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन करंट स्प्लिट होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड पूरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो करंट स्प्लिट करना कब है, कब वोल्टेज स्प्लिट करना है, ये चीजें आपको अपने दिमाग से एनालाइज करके करनी होगी, ठीक है। ये चीजें आपको अपने दिमाग से एनालाइज करके हमेशा क्वेश्चन में करनी होगी, और रेजिस्टेंस को आप निकाल लोगे क्योंकि आप रेजिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पुट करके निकाल लोगे। अब देखो अब थोड़ा एक और बात समझते हैं, क्या हमने पोटेंशियल देख लिया, हमने रेजिस्टेंस देख ली, हमने करंट का फ्लो देख लिया, अब करंट क्यों स्प्लिट होता है ये भी देख लो। कि देखो व्हाई करंट स्प्लिट, करंट बढ़ता क्यों है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, बढ़ता ही क्यों है। देखो अगर यहां से बैटरी से करंट निकलेगा, कुछ इस साइड बैटरी से करंट निकलेगा, यहां से बैटरी से करंट निकलेगा, तो यहां तक तो करंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था ट्रेवल करने का, लेकिन इस पॉइंट पे बैटरी के पास इधर भी रास्ता, करंट के पास इधर भी रास्ता था और इधर भी रास्ता था ट्रेवल करने का, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक। मतलब कि जो टोटल करंट है उसमें से कुछ करंट I1 ऊपर जाएगा और कुछ करंट I2 नीचे जाएगा। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दिया, ठीक। तो पैरेलल में ना करंट के पास चॉइसेस होती हैं कि वो अलग अलग पाथ में जा सकता है, लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज में देखो क्या करंट के पास कोई चॉइस था इस पाथ को छोड़ के कहीं और जाने का, इस पाथ को छोड़ के कहीं और जाने का नहीं था ना, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज स्प्लिट होता है, करंट स्प्लिट नहीं होता, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, करंट स्प्लिट नहीं होता। तो हमने आपको सिखा दिया कि कब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, कब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होगा तो क्या क्या चीजें वो फॉलो करेगा, और सीरीज में होगा तो क्या क्या चीजें फॉलो करेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि देखो अगर मान लो एक मेरे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, एक काम कर देंगे हम सेम रेजिस्टेंस लेके चलते, एक रेजिस्टेंस मेरा ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और इसको जोड़ते हैं हम लोग एक 12 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट बेटा 12 वोल्ट। मान लेते इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, और इसका भी रेजिस्टेंस 3 ओम। अब सेम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। अब इस चीज को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी कि हम लोग अरेंजमेंट ऐसा क्यों करते हैं। अब सेम रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं विद सेम बैटरी, ये मेरी सेम बैटरी 12 वोल्ट, ठीक है, ये भी 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम।
अब जरा एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस वाले का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये आएगा 9 ओम ना। 9 ओम कैसे? 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम। अभी हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था जरा बता दो, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो फॉर्मूला था। अगर हम पैरेलल वाले के लिए निकाले, अब देखो 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाई आर1 प्लस 1 बाई आर2 प्लस 1 बाई आर3। ठीक, अब देखो इस वाले केस में सेम रेजिस्टेंस लगाया तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। अब इनका एलसीएम लोगे तो 3 बाई 3 आ जाएगा, 1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन आर पी के बराबर है ये। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट आपकी 1 ओम। तो अब ये चीज देखो बेटा कि रेजिस्टेंस ये क्या आया था, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस को जब हम इस टाइप अरेंज करेंगे तो सर्किट के अंदर कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, यही तो इसका मतलब है। अब देखो हमने लगाया 3 ओम का रेजिस्टर और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम। मतलब कि 3 ओम का रेजिस्टर लगाया लेकिन सर्किट में कितना आ रहा है, 1 ओम का रेजिस्टर। मतलब कि मेरा इंडिविजुअल रेजिस्टर जो कि है 3 ओम, उससे भी कम आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस जो कि है 1 ओम। कब? जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक, अब इस केस में देखो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं तो मेरा इंडिविजुअल रेजिस्टर जो कि है 3 ओम, उससे ज्यादा आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस जो कि है 9 ओम। ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में बात बताई थी, क्या बताया था ये देखो कि हाँ कि जब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तो किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो तो किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। क्यों बोला था, आप समझ में आ गया? आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्यों कब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है, कब पैरेलल में लगाना है, कब रेजिस्टेंस ज्यादा करना है, कब रेजिस्टेंस कम करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस टॉपिक के लिए लेके आऊंगा मैं बच्चों एकदम फंडामेंटल टू एडवांस क्वेश्चंस। तो प्लीज उस वीडियो में भी हमें हमें साथ दीजिएगा, हमें सपोर्ट करेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।